नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडीनो वायरस के लैब डायग्नोसिस के बारे में। अगर किसी को एडीनो वायरस का इन्फेक्शन है तो लैब में आप किस प्रकार से डायग्नोस करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लैब डायग्नोसिस के लिए सैंपल के रूप में हम थ्रोट से स्वाब ले सकते हैं, आई से सैंपल ले सकते हैं, यूरिन और फीसेस का सैंपल ले सकते हैं। और वायरस को आइसोलेट करने के लिए हम सैंपल को सेल लाइंस पे कल्चर कर सकते हैं, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी या हेला सेल लाइन या हेपेटिक टू सेल लाइन के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। सीपीई के ऊपर भी सेल जो है वो ग्रो होता है और एग्रीगेट होता है और ग्रेप्स लाइक क्लस्टर बनता है, वहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं वायरस को। अदर टेस्ट के रूप में हम हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट, न्यूट्रलाइजेशन और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट कर सकते हैं। सीरोलॉजी में राइज इन टाइटर ऑफ एंटीबॉडी, अगर किसी को इन्फेक्शन है तो उसके सीरम में एंटीबॉडी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको सीरोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हम वायरस को देखते हैं स्टूल के सैंपल में, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट में भी एंटीजन को डिटेक्ट किया जाता है। नेजोफेरेंजियल और ऑकुलर स्पेसिमेन जो हमने लिया है उसके अंदर मौजूद एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन टेक्निक्स के सहारे हम एंटीजन का जो कंसंट्रेशन बढ़ा है उसे चेक करते हैं। इससे बचने के लिए, कंट्रोल के लिए या आउटब्रेक को रोकने के लिए क्लोज कम्युनिटीज़ में हमें प्रोफाइलेक्सिस यानी बचाव के उपाय करने पड़ेंगे, जिसके लिए किल्ड और लिव्ड वैक्सीन अवेलेबल है जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज से आपको बचाता है। कोई ऐसा वैक्सीन नहीं है जो जनरल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए और आपको बीमारियों से बचाए, तो इसीलिए हमें इस बीमारी से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।